हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा की प्रतिबंधित इकाइयां ही नहीं, अन्य जो चालू इकाइयां हैं उनके भी निवेशक इस वक्त परेशान हैं। सहारा की चल रही सोसाइटियों के निवेशक परेशान हैं और सहारा फ्रेंचाइजिस के फूड नगर के सैकड़ों लोग परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सहारा की इस वक्त मचटियाँ पूरी हो रही हैं उसके बारे में जो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आइए पढ़ के सुनाते हैं। सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी के फूड नगर के सैकड़ों लोगों का पैसा फंस गया है। पिछले 6 साल से लोगों की जमा धन राशि का इंटरेस्ट तो दूर मूलधन तक नहीं मिल रहा है। लोग जब अपनी राशि लेने के लिए शाखा में पहुँचते हैं तो प्रबंधक नहीं मिलता है। अगर कभी मैनेजर उपस्थित हो भी जाता है तो लोगों से आवेदन नहीं लेता है, बहानेबाजी कर लोगों को गुमराह करता है। इस संबंध में मामले की शिकायत नगर के उपभोक्ता ने SP रुडोल्फ अल्वारेस से की है। शिकायत में बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई कर जमा राशि तुरंत दिलाए जाने की गुहार लगाई है। 5 साल में दुगना करते हैं पैसा। सहारा फ्रेंचाइजी द्वारा लोगों की जमा धन राशि को 5 साल में दुगना किया जाता है। इस चक्कर में नगर के सैकड़ों लोगों ने अपना पैसा इस फ्रेंचाइजी में फंसा दिया। जिन लोगों की जमा राशि में 5 साल हो गए हैं वह अपना पैसा वापस लेने पहुंचते हैं तो मैनेजर अरविंद जैन का ने कहा दिया है कि अभी ऊपर से कैश नहीं आया है। कुछ इसी तरह के नए ढकोसले इनके साथ करते हैं। आगे खबर है, किसी का 3 तो किसी की 5 लाख धनराशि मिलनी है। लोग 1 साल में सहारा प्रबंधक के चक्कर लगा नहीं थक रहे हैं। समय पर पैसा नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कहा है कि अगर वह जल्द रुपया नहीं दिया गए तो हम यह फ्रेंचाइजी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। ये बड़ी धौंस इस वक्त सहारा के पीड़ित निवेशक दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी इस वक्त सहारा के निवेशकों की परेशानियाँ हैं जो समाधान होने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती चली जा रही हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। कोई अगर आपका कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्या परेशानी है और आप क्या इस वक्त किस परेशानी से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपके लिए इसलिए दी जा रही है ताकि आपको पता चल सके कि सहारा सुब्रत राय की नीयत ठीक नहीं है। वह निवेशकों को किस तरीके से परेशान कर रहा है और सारा पैसा अपने औद्योगिक धंधों में लगा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।